प्रिय दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन जय श्री शिव शंकर भगवान को समर्पित है। आपका स्वागत है विक्रम सिंह तोमर के चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 24 जून दिन सोमवार कैसा रहने वाला है? 24 जून का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? आपकी राशियां कैसा रहेगा? आज सोमवार को कुंभ राशि की कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा शनिदेव की राशि मकर राशि पर संचार करने वाले हैं। आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता पाते हैं। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। आज का पंचांग 24 जून 2024 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 1:23 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराशाना नामक नक्षत्र दोपहर 3:54 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:27 से 9:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि से 24 जून 2024 दिन सोमवार, कुंभ राशि वाले नौकरी पेशा कारोबारी और व्यापारियों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में सामान्य बिक्री रहेगी, लेकिन खर्चे आसानी से निकल आएंगे। किराना एवं परचून आदि से संबंधित काम ठीक ठाक चलते देखे जाएंगे। धातु और लोहे से संबंधित कार्यों में साधारण गति से व्यापार होता देखा जाएगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। अपने बच्चों और प्रियजनों के लिए समय निकालें। परिवार के साथ विवादों को सुलझाने के लिए रचनात्मक तरीकों की तलाश करें। किसी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक काम को पूरा करने में आप दिन बिता सकते हैं। जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक और आसपास के लोग कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा जातक आज ऑफिस में अपने काम में लगे रहेंगे। अपने मन की भावनाओं को व्यवस्थित करने और निर्णय लेने के लिए समय निकालें। उसके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। आपका मजाक स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपनी प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आज पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के परिवार में किसी जिद या हट के चलते मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। घर की शांति के लिए कड़वे बोल बोलने से बचें। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में सफलता का समाचार मिलने से मन में हर्ष होगा। किसी देवस्थान की यात्रा से मन को सुकून मिलेगा। सायंकाल के समय पिताजी की मदद से कोई रुका काम बनने की संभावना है। आपसे पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। आज बच्चों के साथ समय बिताकर आप कुछ सुकून भरे पल जी सकते हैं। दिन के शुरुआत में ही खास कामों की रूपरेखा बना ले। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर गंभीर भी होंगे। मौज मस्ती पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, इस कारण कोई काम नजरअंदाज ना करें। लापरवाही से बचना होगा। लोगों की संगत का असर आपके स्वभाव पर होगा, इसलिए सही संगत का चुनाव करें।
आपके रिलेशन को परिवार के लोग स्वीकार करेंगे। खानपान पर नियंत्रण ना होने से सेहत बिगड़ने की भी संभावना है। मनचाहे कार्य नहीं होने से निराशा हो सकती है। पिता के साथ तनाव होने की संभावना है। आपका व्यवहार बनते कार्यों को बिगाड़ सकता है। शाम को परिणाम सुखद मिल सकते हैं। आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। आप किसी नए काम के शुरुआत भी करने की योजना बना सकते हैं। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने करीबियों से कुछ खुशियां साझा करेंगे। आप अपनी तरक्की की वजह से आगे बढ़ेंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़े। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता जी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। सावधानियां लापरवाही और आलस जैसे अवगुण तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। इन अवगुणों पर रोक लगाने से आपका व्यक्तित्व निखरे। फालतू विवादों से दूर। सामाजिक गतिविधियों में उपस्थिति रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में आने के वापस प्रयास कर सकता है। आपके प्रेमी से आपकी बहस हो सकती है जिसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। माता पिता का आप आदर करें और उनके साथ भी समय बिताने का प्रयास करें। आपके भाई या बहन की घर आज वापसी हो सकती जो घर का वातावरण अच्छा कर सकती है। किसी की बातों को दिल पर ना लगाएं और अपने काम पर ध्यान दें। भगवान आपकी जरूर सुनेगा। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। अगर आप अपने रिश्ते को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम है। परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज सपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है। आपके इन भाव को देखकर वे बहुत खुश होंगे। अचानक टूटा हुआ संबंध आपके जीवन में खटास भर सकता है, लेकिन इन बातों को गंभीरता से ना लेकर जीवन में आगे बढ़े। जीवन बदलाव का दूसरा नाम है। जिस तरह जिंदगी पल पल रंग बदलती है, ठीक उसी तरह इंसान रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आज का समय बढ़िया है और अपने दिल पर विश्वास करें। आज आप अपने प्यार भरे जीवन को इस पैसे बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे और अपने पार्टनर को अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे। बात करते हैं करियर के बारे में। चिंता करते हुए उस दिशा में प्रयास करें। आपकी सेहत की बात कर रहे हैं तो यदि आप मशीनरी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आज आप अपने हाथों की सुरक्षा अवश्य करें, अन्यथा आपसे कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है। आज आप अपने सभी संबंधियों के साथ गपशप करने में बहुत अधिक बिजी रहेंगे। आप अपने मित्रों को या अपने सगे संबंधियों को अपने घर बुला सकते हैं या आप उनके घर उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। नौकरी दोनों में लेन देन संबंधित गड़बड़ी से आपको हानि होगी। अगर कोई समस्या आपको असंभव लग रही है तो याद रखें कि इसको हल करने का तरीका अभी आपके दिमाग में नहीं आया है। अपने दिमाग में घटनाओं को व्यवस्थित करें। परिणामों के बारे में सोचे फिर निर्णय ले। हमेशा अपने दिल की सुने तो अच्छा रहेगा। आज इसीलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इससे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसीलिए अपने खर्चों पर निवेश को कम करें। भविष्य संबंधित योजना पर निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। उपहारों और सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रयासों में सफलता मिलेगी।
उदारवाद दृष्टिकोण रहेगा और नए कार्य करने की योजना बनेगी। धार्मिक यात्रा पर जाने का भी आज योग है। अप्रत्याशित सफलता आपको मिल सकती है। सोचे हुए काम समय पर होंगे। शाम को सम्मानित व्यक्तियों से मुलाकात भी आज हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। कुंभ राशि वाले ब्लड प्रेशर संबंधी रोगियों को परेशानी हो सकती है। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करें और नियमित दवा संबंधी लापरवाही ना करें। आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है जिसका पता शायद आपको अभी ना हो, लेकिन बाद में उसका पता चलने पर आप एकदम से चौंक पड़ेंगे। यदि आप मशीनरी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर मिश्री और बेलपत्र चढ़ाएं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र पहनें और माताजी की सेवा करें, साथ ही सफेद चीजों का दान करें, शुभ रहेगा। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।